हमारे इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे इनसे बात करते हैं। रविंद्र जी, ऐसे तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है, लेकिन आप भी एक नई पार्टी के साथ, एक नए सिंबल के साथ मैदान में उतर रहे हैं और सभी वार्डों पे आपने कहा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह की चुनौती आपकी पार्टी पेश कर पाएगी? देखिए, हमारे सामने सबसे पहली बात, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस ने जो अभी एमसीडी का हालत किया वो जग जाहिर है। उसके बाद 10 साल बीजेपी ने हम लोगों का जो जाया किया वो भी। रही बात केजरीवाल सरकार की, तो इनके आने के बाद जो कुछ भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो चुकी है। तो हम लोगों के पास विकल्प के तौर पर हम लोग हैं, और हमारे साथ सबसे बड़ी ये है कि सारे दिल्ली के ऑटो टैक्सी यूनियन, रेडी पटरी एसोसिएशन और ई रिक्शा से लेकर के जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं हमारे साथ हैं, और ये उनकी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, और हम लोग ही आज तक वोट कर करके इन्हें स्टार बनाए हैं, और इस बार हम लोग की अपनी पार्टी बन चुकी है, इसलिए इन्हें बेचैनी होना लगभग तय है। आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि पहली बार आप दिल्ली नगर निगम चुनाव में किस्मत आजमाएंगे, आप जनता के किस तरह के समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं? जनता पूरी तरह से है, पूरी तरह से हम लोगों के साथ है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे डेली हम लोग घूम रहे हैं और हर जगह से अपार सफलता मिल रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारी पार्टी जो गरीबों की पार्टी है, ऑटो टैक्सी यूनियन से हम लोगों ने करीब 7-8 प्रत्याशी ऐसे दिए हैं जो हमारे सिर्फ ऑटो टैक्सी चालक हैं। रेड़ी पटरी से हम लोगों ने दिया है, झुग्गी झोपड़ी से भी हम लोग दे रहे हैं, और हम लोग जनता के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने को, क्योंकि हमारे पास जनता हमारे साथ है, और हम लोग सिर्फ जनता के बीच में एक नोट और एक वोट के बीच में उतरे हैं, और अपार जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि इन्होंने आम लोगों को अपनी पार्टियों से जोड़ा है, और इन्हें पूरी उम्मीद है कि जो जनता है वो इस बार के नगर निगम चुनाव में इनकी पार्टी को जरूर समर्थन करेगी। तो इस तरह की जो नई पार्टियां आ रही हैं इस बार एमसीडी चुनाव में, वो वाकई इस चुनाव को दिलचस्प बना रही हैं। कैमरामैन इमैनुअल के साथ सुमंत कुमार, APN दिल्ली।